बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स कैसे सब, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो उम्मीद दुआ है कि मैं देखने वाले जा भी हैं, खुश रहें, बात रहे, हंसते खेलते मुस्काते रहें। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों को सबसे पहले पहुँच जाए। तो आज मैं आप लोगों के साथ सुबह की रूटीन शेयर करूँगी, और साथ में आलू बैंगन का सिंपल सा सालन कि कैसे यहाँ पर गाँव में सालन बनाया जाता है आलू बैंगन का। तो चलिए वीडियो की जानकारी बढ़ते हैं और देखते हैं कि सुबह की रूटीन में हमारे यहाँ पे गांव में क्या क्या होता है और क्या क्या चीज़ें बनती हैं। कुछ शूट में नहीं बढ़ पाई, उसके लिए माजरत। तो चलिए वीडियो की जानकारी बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिए हैं 3 बैंगन, बहुत ही फ्रेश, बहुत ही बड़े, बहुत ही खूबसूरत। तो 2 अदद जो है ना वो हमने प्याज ले लिए हैं, 1 लहसुन की जो है ना वो एक लहसुन की जो वो गुठली जो भी होता है उसको बोलते हैं वो ले लिया। तो जल्दी से इन बैंगन को काटते हैं। प्याज को मम्मी जो है ना वो सब्जी तैयार कर रही थी, और यहाँ पर आलू ले लिए हैं, 1/2 किलो आलू ले लिए हैं। इनको धो के अच्छे से वॉश करेंगे, वॉश कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे जी बैंगन काटते हैं, मैंने पानी ले लिया है बैंगन को, उसमें हमेशा जो है ना वो पानी में ही काटना चाहिए। ये होता है कि अगर बिना पानी के काटते हैं तो आप लोग भी जानते होंगे कि ये काले हो जाते हैं। तो जल्दी से यहाँ पे मैं बैंगन काट लेती हूँ। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने सारे जो बैंगन हैं वो काट लिए हैं अच्छे से, और एक मतलब हम ये वाला पानी इसमें काट लेंगे, लेकिन फिर उसके बाद सब सारी सब्ज़ी बनाने के बाद इसको वॉश करेंगे। तो यहाँ पे मैं किचन में आई, आने के बाद मैं गैस देखती हूँ, तो यहाँ पे गैस बिल्कुल भी नहीं थी। सुबह सुबह 9 बजे तकरीबन जो है ना वो गैस चली जाती है। तो यहाँ पर मैंने शापर उठाया, माचिस उठाई, और चलते हैं बाहर जो है लकड़ी वाला चूल्हा चलाते हैं, जिसकी ज़रूरत पड़ गई है डेली तकरीबन, अब इसकी ज़रूरत पड़ ही जाती है तकरीबन। तो यहाँ पे मैं जो सोलर प्लेट को उसको धूप में रखूँगी, बैटरी की जो तार है उसमें उसको चूल्हे पे लगाऊँगी। तो हमारा जो चूल्हा है वो ये बैटरी पर ही चलता है, तो इसलिए यहाँ पे मैं जो तार है ये वाली, इसकी जो वाइट वाली तार है इसको इसमें लगाऊँगी। तो आप देखिएगा कि चूल्हा जो है ना वो फौरन चल जाएगा, अभी सही से लगी नहीं है। और ये देखें, यहाँ पे हमारा चूल्हा जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है, चल चुका है। अभी मैं उतारूँगी इसको, क्योंकि अभी मैंने पहले आग लगानी है। तो ये है जी छली के दुक्के, जो कि हम डालकर आग लगाते हैं, इससे आग बहुत जल्दी जल जाती है। तो ये मैं कुछ डालूँगी इसके अंदर, और शॉपर के साथ जो है ना इसको आग लगा दूँगी। तो तब तक आग लगाते हैं। ये देखें, यहाँ पे आग हमारी जो है वो जल चुकी है, और मैं किचन में जो बाकी का सामान है वो लेने जाऊँगी। यहाँ पे चूल्हा भी जल चुका है। तो जैसे ही मैं किचन के दरवाजे के पास पहुँची, तो ये मोहतरमा वहाँ पे बैठी अपना दर्शन करवा रही थी। जब तक इसको लाड़ने को ना, ये बहुत ही आजकल फ्रेंड गुस्से में रहने लगी, पता नहीं इसको क्या हो गया। खैर छोड़े, ये यहाँ पे हमने कुकर ले लिया, उसको वॉश कर लिया, और सारा सामान हमने यहाँ पे तैयार कर लिया। एक जो है ना चम्मच मैंने एक चम्मच जो है वो मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, 2 पिंच जो है वो मैंने हल्दी ली है, 1 चम्मच जो मैंने गर्म मसाले का लिया है, और उसके बाद यहाँ पे अम्मी ऑयल डाल रही हैं, 1 चम्मच जो है ना वो मैंने नमक का ले लिया है। तो आप अपने हिसाब के मुताबिक जो है ना, टेस्ट के मुताबिक जो है, और सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सारे प्याज़ों को पहले हम भूनेंगे, भूनने के बाद इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च, 2 से 3 अदर हमने जो है ना वो हरी मिर्च ले ली थी। तो यहाँ पर देखें, मिर्च ऐड कर दी है। उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 अदर टमाटर, आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन टमाटर से ये होता है कि ज़्यादा टमाटर ऐड करें तो सालन हमारा खट्टा हो जाता है, तो हमारे यहाँ पर सालन कोई भी खट्टा नहीं खाता है। तो यहाँ पे हम लोग टमाटर भी ऐड कर दिए हैं, अब इसमें सारी स्पाइसेस ऐड कर देंगे, थोड़ा सा जो पानी है ना वो ऐड कर देंगे, और इसके अच्छे से बुनाई कर लेंगे मसाले की। जब तक बुनाई होती है, जब तक सालन मसाला तैयार होता है, आप लोग तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो यहाँ पर अम्मी जी बना रहे थे सालन, और माँ के हाथ का तो सालन भी बहुत ही मज़े का होता है। तो यहाँ पे आलू बैंगन डाल देंगे, और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा पानी डाल के, इतना पानी डालेंगे कि इसमें ये जो बैंगन है ना वो पक जाए, तो उसके बाद हम इसको बेड लगा देंगे। ये हमारी सुबह की रूटीन है फ्रेंड, सुबह सालन सॉरी रोटियाँ और चाय जो है ना वो हमने गैस पर ही बनाई थी मेरी सिस्टर ने, तब मैं शूट नहीं कर पाई, लेकिन मैंने सोचा कि चलें आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर हो जाएगी, वीडियो भी बन जाएगी, आप लोग से मुलाकात भी हो जाएगी, और अच्छा लगता है आप लोग जब अच्छे रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये हमारा तैयार हो गया है सालन। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।